नमस्कार, मैं सीमा पाठक और आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम लोग बथु महादेव के मंदिर में उपस्थित है। आप मेरे पीछे भीड़ देखते होंगे आज कि वो नर्क निवारण चतुर्दशी है, आज इसी चीज़ का भीड़ है। मान्यता है कि आज के दिन जो प्रातः कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रातः काल तेल लगा के और पानी में चचरी का पत्ती डाल के नहाने से जो है बहुत ज़्यादा धर्म होता है। और आज के दिन मन से जो पूजा करने से, भक्ति भाव से पूजा करने से नर्क का रास्ता जो बंद होता है और स्वर्ग का रास्ता खुलता है। आगे यहाँ के जो पंडित जी, हम उनसे भी बात करेंगे और मंदिर की जो जानकारी है वो लेने की कोशिश करेंगे कि क्या महत्वता है और कितने साल से जो है यहाँ पे भोला बाबा का पूजा हो रहा है। परिचय दीजिएगा। अजय कुमार मिश्र हमारा नाम हुआ, घर हुआ शुभंकरपुर। बाबा, ये पूजा जो यहाँ पे है कितने दिन से? ये पूजा जो स्थापना हुआ था, राजा जनक जी का स्थापना किया हुआ है और जागेवल ऋषि जो थे वही पुरोहित थे, तो आप समझ सकते हैं जो कितना दिन से हो रहा है उसी टाइम से ये यहाँ पे पूजा किया जाता है। राजा जनक जी का ही स्थापना किया हुआ ये। क्या मान्यता क्या सब है इस मंदिर? मान्यता ये है इस जगह का, जो भी यहाँ पे जो भी मनोकामना लेकर के आता है उनका मनोकामना सिद्ध होता है। और आगे में जीवछ नदी है जिसका कि जीवछ कहा जाता है, लेकिन उसका असली नाम है जीवत्स्या। और इस जगह का जो नाम है वो मिथिलेश्वर, मिथिला नरेश जो है स्थापना क्यों है, इसलिए इस जगह का नाम मेन है मिथिलेश्वर जी। तो वो बथु महादेव के नाम से फिर कैसे? बथु महादेव इनका एक सेवक था जमाने में, वो बहुत ये माना हुआ सेवक था इनका। तो जब इनको जो है सो कोई ऐसे आदमी थे जो उखाड़ के कुएं में डाल दिए थे, तो बथु को सो सपना दिए थे बाबा जो हम फलाने कुएं में हैं, हमको निकाल के ले चलो। तो उसी दिन से इनका नाम मिथिलेश्वर से बथु पड़ गया, जो उसी को सपना दिए थे बथु बाबा, मिथिलेश्वर बाबा जो हम यहाँ कुएं में हैं हमको निकाल के ले चलो, तो इसीलिए उसी के नाम से बथु बाबा के नाम से विख्यात हो गए। धन्यवाद। और भी कुछ पंडित जी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कुछ उनसे कि मंदिर की जो विशेषता है, पट कितने बजे से खुल जाता है। परिचय दीजिए। विनोद चंद्र झा। ये जो पूजा हो रहा है अभी, आज पट कितने बजे से भगवान का खुल जाता है? भगवान का पट यानी 2 बजे के बाद से खुल, 4 बजे आरती हुआ, 4 बजे के बाद से पट खुला हुआ। कितने की संख्या में भक्त लग जो यहाँ पे आ जाते? लगभग लाखों की संख्या में प्रत्येक वर्ष, आज से नहीं यानी सैकड़ों वर्ष से यह आयोजन हो रहा है। और कहा जा रहा है कि राजा जनक के जो पंडित थे याज्ञवल्केश्वर, याज्ञवल्क उनके द्वारा स्थापित यह मंदिर है। यहाँ पहले एक छोटा सा शेड था, लेकिन बाद में जाकर के धीरे धीरे विकास होता गया और बथु बाबा के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। कौन से भगवान का यहाँ पे मंदिर? यानी शिव जी का और पार्वती का और हनुमान मंदिर की स्थापना हो रही है। धन्यवाद। आपने देखा कि शिव जी का और भोला, शिव जी का और पार्वती का यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे मंदिर है और लाखों की संख्या में जो है यहाँ पे भक्तजन आते हैं, अपना श्रद्धा जिनको जैसा वो वैसा दान करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से जो स्वर्ग की प्राप्ति होती है।